नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इसके भारत पहुंचने की भी आशंका है। देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे हालात में लोगों को कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज देने पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे देशों में पहले से ही हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। एम्स की पूर्व डीन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साइंटिस्ट डॉक्टर एन के मेहरा का कहना है कि एक स्टडी में पता चला है कि गंभीर रोगियों पर वैक्सीन का असर कम हुआ है। बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। कैंसर पेशेंट्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा चुके लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक के बावजूद बूस्टर डोज देने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता पहली बार दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी एड्स के पेशेंट्स में पता चला था। एक स्वस्थ व्यक्ति 2 से 3 सप्ताह में कोरोना से ठीक हो जाते हैं, जबकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में 2 से 3 महीने तक पॉजिटिव बने रहते हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।